कोविड को लेकर दिक्कत होती है, और फिलहाल डोज टू कंप्लीट होगा तभी मुझे एंट्री मिल सकती है। देखिए आधार कार्ड का जरूरत है एंड आपका डोज टू का भी फाइनल है, और हमारे अभी बाबा आए हैं, अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, बट अंदर में अलाउ नहीं है वीडियो शूट करना, आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। मैं आता हूँ पूजा करके अंदर से। फाइनली गाइस मैं दर्शन कर चुका हूँ जगन्नाथ मंदिर का। जैसे मंदिर के बाहर आते तो आपको बहुत सारा प्रसादी यहाँ से मिल जाएगा अपने घर ले जाने के लिए, आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंपलसरी है डोज टू, अगर डोज टू कंप्लीट होगा तभी आपका एंट्री हो सकता है, या तो फिर एंट्री नहीं होगा। गाइस कोविड को लेके थोड़ा कम है, नहीं तो इससे ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है, और फिलहाल मुझे एटीएम जाना है। और फाइनली गाइस मैं जगन्नाथ मंदिर का दर्शन कर चुका हूँ, लेकिन दर्शन करने से पहले काफ़ी बड़ा दिक्कत हुई। एक्चुअली डोज टू जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको एंट्री नहीं होता है। जैसे मुझे एंट्री नहीं हो रहा था, फिर मैंने बाबा पांडा साहब से सेटिंग करवाया, यानी कि 500 रुपीज़ हमको एक्स्ट्रा लिया। तो आप लोग 500 रुपीज़ से बचे, ज़रूर डोज टू कम्प्लीट करके आएँ तब दर्शन कीजिए। और अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं था, अंदर में आप वीडियो नहीं शूट कर सकते, कैमरा नहीं ले सकते, जिसके वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। बाहर से आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मंदिर का नज़ारा, जो काफ़ी फेमस है पूरे इंडिया में। और गाइस आप देख सकते हैं यह सारा बाहर का नज़ारा है। जैसे मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारे दुकानें यहाँ से आपको मिल जाएगा, प्रसादी आ तो फिर सिंगार का, जितने बहुत सारे आपको यहाँ पे आइटम मिल जाएगा घर ले जाने के लिए। और मंदिर आप सीधे देख सकते हैं, मंदिर मेन मंदिर वही है, और आगे जाके अभी हम लोग वीडियो शूट करते हैं वहाँ से, और भी क्लियर फोटो आएगा। और गाइस आप सीधे देख सकते हैं यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ का प्रसादी फेमस ही है। कितने का? 10 रुपया। ये सब कैसे? ये सब 10-10 का? कौन सा? ये 20 रुपया। ओके गाइस आप यहाँ पे बाहर में ले सकते हैं, बहुत सारा आपको मिल जाएगा फोटो, वही देख रहा हूँ। माला कितने का? ये सब माला कितने के? माला 5 रुपये। और ये सब 10 पीस। और ये जो फ़ोटो के साथ बोला है क्या, फ़ोटो के साथ उस सब में ये सब ना 5-10 का है। ये दीजिए ना, ये 5 पीस दीजिए। तो ये ओम वाला है ना? कितना टो? और ये नहीं है जगन्नाथ वाला? दोनों तो कौन सा है? 5 वाला? हाँ 5 वाला 5 को दीजिए ना। और ये बड़ा वाला? बड़ा वाला 100 रुपया, 50। ये 50 का ना? ये 50 हो गया, 100 हो गया, वो 20 हो गया। दोस्तों मैं प्रसादी ले चुका हूँ, अब जा रहा हूँ आगे, आगे से आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। गाइस मेन मंदिर यहीं यहीं से आप फ़ोटो ले सकते हैं, अंदर हम नहीं ले जा सकते मोबाइल, देखिए आप लोग बाहर से। गाइस काफ़ी भीड़ है, और गाइस काफ़ी भीड़ है।
दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं यहाँ जगन्नाथ मंदिर से गोल्डन बीच के लिए। मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे है गोल्डन बीच, जो काफ़ी फेमस है। कपड़े से लेकर मछली का आइटम, वहाँ तो खिलौने आइटम बहुत सारा मिल जाता है। चलिए आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चुके हैं गोल्डन बीच। सही है भाई, वाव हवा लग रहा है यार, कहीं बैठा जाए। और गाइज काफ़ी मैं हवा ले चुका हूँ, काफ़ी एंजॉय कर चुका हूँ। और समुंदर का जस्ट बगल में आपका बहुत सारे दुकानें, चलिए दुकानें का नज़ारा दिखा। ये क्या क्या मिलता है इधर, थोड़ा मैं भी तो देखूँ। भाई बीच का जस्ट बगल में आपको बहुत सारे दुकानें मिल जाएगी, खिलौने से लेकर आपका प्रतिमा वगैरह बहुत सारा आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हम गोल्डन बीच घूमने के बाद निकल चुके हैं। यहाँ का फेमस है सरोजनी मार्केट करके, जो कपड़े के लिए काफ़ी फेमस है, शायद सस्ते भी मिलती है। चलिए चल रहे हैं वहीं पैदल पैदल। गाइस गोल्डन बीच का जस्ट बगल में आपका मेन रोड है और साइड साइड में आपको होटल मिल जाएगी, और डायरेक्टली अपने होटल से समुंदर का नज़ारा ले सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट भी है और मैं अभी और भी अंदर जा रहा हूँ। और अंदर में बहुत सारा गली है, कपड़े की दुकान है। भाई लोग काफी बिगड़े यार, काफी बड़ी मार्केट है फ्रेंड्स, पूरा किनारे में लगा हुआ है, हर चीज आपको आइटम मिल जाएगा यहाँ पे। गाइस अंदर में काफी बड़ी मार्केट है कपड़े का, और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ। अच्छा अच्छा मार्केट इधर आछे এরকম স্কার্ট হবে না মানে सिक्सटी ओके। और दिखे बढ़िया बढ़िया कलर के हैं। वन सिक्सटी ओके। और दूसरा में ओ गाइस एक्चुअली मेरी हाफ पैंट नहीं थी, खोल के दिखाई ना। नहीं एक एक कलर का वैसा सिंगल सिंगल कलर सिंगल कलर हाँ ऐसा करके, ये मतलब चेक नहीं चाहिए। मेरी टूर खत्म हो चुकी है, फिलहाल मैं अपने होटल आ चुका हूँ। और
गुड मॉर्निंग गाइस, शायद आप लोग शो को जाएंगे। फिलहाल मैं हूँ, मॉर्निंग के 7 बज रही है। फिलहाल मैं खड़गपुर में। एक्चुअली कल बहुत बड़ी घटना हो गई मेरे साथ। घटना मीन्स हुआ क्या, मेरी ट्रेन थी नाइट में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जो मुझे जाना था अपने होम टाउन बुखारेस्ट सिटी के लिए, पर 10 मिनट के लिए लेट हो गई थी। काफ़ी मैं थक गया था, होटल में सो गया था। 10 मिनट के बाद पहुँचा, ट्रेन खुल गई थी और फाइनली मैं सीट टीटी से लिया। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ कोलकाता, यानी आप लोग कोलकाता भी घूमने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिलहाल मैं हूँ खड़गपुर जंक्शन में और इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को बढ़िया लगा हो पूरी टूर, तो फटाफट लाइक करना है, कमेंट करना है। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, फिर से नई व्लॉग स्टार्ट।